मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन विश्वजीत सिंह। कल कुछ रिजल्ट आए, बड़े अजीब से थे। कुछ ने सफलता का स्वाद चखा और कुछ ने वॉशिंग मशीन। अब बोलोगे सर वॉशिंग मशीन, ऑब्वियसली मम्मी पापा ने कल धोया था उनको, बेचारों को पूरी रात धुले, पूरे दिन धुले, जिनके कम नंबर है। और ऑब्वियसली जिनके सफलता मिली उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंजॉय करा, पार्टी ऑन लाइट, पार्टी ऑन लाइट। बट सोचने की बात थी, क्या हुआ ऐसा कि वो वॉशिंग मशीन में रख गए और ये लोग बाहर एंजॉय कर रहे थे। अरे श्रीमान इधर आओ, ये मेरे मित्र श्रीमान। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं महेश श्रीमान, और विश्वजीत ने मुझे बुलाया और रिजल्ट के बारे में चर्चा की। बच्चों मैं तो खुद ही बड़ा संकोच कर रहा हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ इसका। ये श्रीमान कितने नंबर आए थे? ज्ञान दे रहे हैं। मैं एक्चुअली मैं आपको बताने में संकोच कर रहा हूँ कि आई गॉट 58% इन माय 10th एग्जामिनेशन। 58? यस। जानता है मैं तो 40 पे आता। सो ये स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज ये कोई मायने नहीं रखती है। आज बेसिकली हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं आपको मैं बता देता हूँ। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे 4 letters for success। बेसिकली हम उन बच्चों के लिए आए हैं जिन बच्चों ने कम परसेंटेज प्राप्त किया, कम मार्क्स लेकर आए और कहीं ना कहीं से वो प्रताड़ित हैं अपनी माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, पड़ोस के द्वारा, एंड दे आर फीलिंग इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्योंकि उनके कम नंबर आए हैं अपने दोस्तों की तुलना में। मैं आज उनको बताना चाहता हूं कि आप भी बहुत सक्सीड हो सकते हैं, बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और केवल 4 letters को लेकर। रुको, ऐसे नहीं इतनी आसानी से ज्ञान देना, लिमिट है 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलोगे ठीक है, और मेरे बच्चों को पकाओगे नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं पकाऊंगा श्रीमान। बच्चों मैं आज सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। सबसे बड़ी बात, यहां बोर्ड पर आप देख रहे हैं 4 letters, 4 letters for success, SWOT, इंग्लिश लैंग्वेज के 4 letters, और ये हमें सिखाएंगे कि सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। न केवल बोर्ड एग्जामिनेशंस में, न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, बल्कि अपने पूरे जीवन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, आइए डिस्कस करते हैं 4 letters को। आप सभी तैयार हैं सुनने के लिए? विश्वजीत आप भी? हाँ सर। ओके, यस। सो नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर एस। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। सो स्टूडेंट जस्ट आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, योर पावर, योर कैपेसिटी, योर एबिलिटी, आपकी सामर्थ्य, शक्ति, ताकत, जो भी आप जानते उसे पहचानिए। आप कहेंगे सर हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे में काहे की ताकत, हम तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। नहीं बच्चों, हर स्टूडेंट्स में कोई स्पेसिफिक पावर होती है। क्या शक्तियां हैं आप में, कॉपी और पेन ले लीजिए, लिखिए। मैंने एक बहुत अच्छे घर में जन्म लिया है, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा दिमाग दिया, अब तक जो भी मैंने पढ़ाई की मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे आए। ये सारी आपकी ताकत है। मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूं, मैं सुंदर हूं, मेरे में लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ये सारी की सारी आपकी ताकत है, तो इसे पहचानिए और इसका सही उपयोग कीजिए। सेकेंड लेटर दैट इज W। एवरी स्टूडेंट हैज वीकनेस। हर व्यक्ति में कमजोरी होती है, मेरे में भी है, सभी में है, हर विद्यार्थी में कमजोरी होती है। जस्ट आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस एंड ट्राई टू रिमूव आउट। इन कमजोरियों को पहचानना है और इसे दूर भगाना है। सबसे बड़ी बात, अगर हम अपनी कमजोरी पहचान लेते हैं तो हम उसे दूर कर सकते हैं। कमजोरी क्या हो सकती है विद्यार्थी जीवन में? कि सर मुझे आलस बहुत है, मैं वीडियो टेलीविजन खूब देखता हूँ, यूट्यूब पे लगा रहता हूँ, मोबाइल फोन में लगा रहता हूँ, खेलने में लगा रहता हूँ, अपनी स्टडीज को पूरा टाइम नहीं दे पाता हूँ, वगैरह वगैरह। और भी पेरेंट्स की बहुत सारी शिकायत हो सकती है। इन कमजोरियों को पहचानना है और इन्हें दूर करना है। सो फर्स्ट 2 letters स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। थर्ड लेटर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट्स याद रखिए, जीवन में अपॉर्चुनिटी बहुत आती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसे कैच करना, पकड़ना, और सही समय पे पकड़ना। एक ऐसी महिला की कल्पना कीजिए बेटा जिसके चेहरे पर बाल हैं। कितनी ही खूबसूरत महिला है लेकिन उसके चेहरे पर बाल हैं और पीछे से गंजी है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे विश्वजीत सर हैं, तो एक ऐसी महिला जिसके आगे चेहरे पर बाल और पीछे से वो गंजी है। सो व्हेनेवर दैट पर्टिकुलर वुमन नॉक्स एट योर डोर एज अ अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के रूप में जब वो महिला आपके दरवाजे को खटखटाती है,
शी नोक्स एट योर डोर, आप क्या कहते हैं, अरे मैंने तो इसे पहचाना ही नहीं क्योंकि इसके आगे बाल आ रहे हैं. बट वेन शी टर्न्स बैक, लेकिन जब वो पलटती है तो आपको एहसास होता है अरे ये अवसर था, इसे तो मैंने मिस कर दिया. लेकिन जब आप इसे पकड़ने का प्रयास करते हैं तो यू कांट कैच इट, क्योंकि पीछे से ये गंजी होती है. याद रखिए बेटे, अवसर क्या है, ये लॉकडाउन भी हमारे लिए एक अवसर है. इस अवसर को हमें कैश कराना है, हमें पढ़ना है, किसी भी माध्यम से पढ़ना है, तैयारी करनी है. और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है जो अंतिम लेटर में आपको बताया गया है, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट सिस्टम. और बच्चों, जिस व्यक्ति ने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, उस व्यक्ति को सफलता अपने कदमों में दिखाई देगी. सफलता को वो कहीं से भी खींचकर ले आएगा, सफलता उसके कदम चूमेगी. और अगर टाइम मैनेजमेंट आपने नहीं किया तो ये सफलता आपको कोसों दूर नजर आएगी. हमें सफलता को खींचना है अपनी ओर. क्या श्रीमान, कितनी बातें करी, कितने भाषण दिए यार. बच्चों, शॉर्ट एंड स्वीट, इस पूरी चीज का नंबर डजंट मैटर, नंबर महत्व नहीं रखते हैं. महत्व रखता है आपकी काबिलियत, और उस काबिलियत को आपको बढ़ाना. अरे कोई बात नहीं, टेंथ में कम नंबर आए, अरे ट्वेल्थ है, और कोई बात नहीं, ट्वेल्थ में कम नंबर आए, अभी ग्रेजुएशन पूरी बाकी है भाई, आईएएस आ रहे हैं, सौ इंजीनियर्स बनना बाकी है अभी. There are lots of opportunities. जीवन में बहुत सारे अवसर हैं, बट उन्हें कैश कराना केवल और केवल आपके ऊपर है. और याद रखिएगा हमारी थ्योरी को, SWOT, सफलता का मूल मंत्र, the four letters for success. Thank you. इसी तरह की छोटी छोटी कहानी और मोटिवेशनल थॉट के द्वारा सुनना चाहते हैं तो प्लीज कम एंड ज्वाइन अस ऑन द अपनी विद्या.com. Thank you, students. Myself, Vishwajit, and Srimaz. Thank you.